सो हे व्हाट्स अप गाइस, मैं आपको दूसरी से ब्रोलर और वेलकम करता हूं तुम्हें ब्रॉल स्टार की वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो को बताने वाला हूं टॉप 5 वर्स्ट स्टार पावर इन ब्रॉल स्टार। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो बिना किसी देर के अपना इंट्रो लगा दो, गेट स्टार्टेड। तो आपको पता होगा मैंने रिसेंटली बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पर गैजेट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, जैसे कि बेस्ट गैजेट या फिर वर्स्ट गैजेट के ऊपर। पर मैंने आ गया अभी तक यहाँ पर मैंने कोई भी स्टार पावर के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। तो गाइस आज वीडियो आ रही है यहाँ पर स्टार पावर के ऊपर। तो आज हो गया यहाँ पर वर्स्ट स्टार पावर इन ब्रॉल स्टार, जो कि मतलब यहाँ पर टॉप 5 बताऊंगा मोस्टली यहाँ पर मैं। तो इस बात करें नंबर 5 में, तो गाइस नंबर 5 में जो यहाँ पर आने वाला है वो है डेरल का स्टार पावर, जिसका नाम है रोलिंग रिलोड। जो कि काफी मतलब एक टाइम से बोलो कि बेकारी गैजेट है, तो कुछ खास भी नहीं यहाँ पर। कि मतलब अगर मैं सच बोलूँ तो गाइस यहाँ पर डेरल के जितने भी यहाँ पर गैजेट और स्टार पावर है वो गाइस मुझे लगता नहीं कितने वर्थ है। गाइस ऑलमोस्ट मुझे सबके जितने भी इसके दोनों स्टार पावर है वो दोनों मुझे आ गए कुछ गैजेट का फील देते, तो मुझे इतना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है डेरल के गैजेट यहाँ पर। ऐसा भी नहीं गाइस इसका जो स्टार पावर है बेकार यहाँ पर, कभी कभी कुछ शहर में जैसे कि यहाँ पर हाइस्ट की मैप में गाइस ये वाला स्टार पावर काम आता है। बट गाइस मोस्टली मैं बोलूँ तो मोस्टली मैं बिल्कुल भी काम नहीं आता ये गैजेट। इससे जगह चाहे तो यहाँ पर फर्स्ट स्टार पावर भी रखते हैं, उसमें आपको अच्छा खासी शील्ड मिल जाती है आपको जब भी आप रोल करोगे। तो वैसे ये डिपेंड करता है आपको कौन सा खेलना पसंद है। पर गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पर जो इसका सेकंड स्टार पावर है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है इतना। और अगर आप सोचोगे गाइस ये करता क्या है, तो गाइस ये सिंपल सी चीज़ है गाइस स्टार पावर यहाँ पर। तो जब भी आप गाइस यहाँ पर डेरल से रोल करोगे तो गाइस आपको यहाँ पर 5 सेकंड के लिए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर रीलोडिंग स्पीड मिलेगी, जो कि मतलब काफ़ी ठीक ठाक रीलोडिंग स्पीड है यहाँ पर जो आपको मिलती है एक्स्ट्रा बफ। बट तभी गाइस इतना कुछ ज़्यादा खास स्टार पावर ये नहीं है मेरे हिसाब से यहाँ पर, तभी मैं गाइस को यहाँ पर नंबर 5 में मैंने लिस्ट में डाला है। तो बात करें गाइस यहाँ पर अपने अगले स्टार पावर के बारे में जो यहाँ पर नंबर 4 में आएगा, तो गाइस नंबर 4 में यहाँ पर आता है मॉर्टिस का स्टार पावर, जो कि यहाँ पर सेकंड स्टार पावर उसका, जिसका नाम है गाइस यहाँ पर कॉइल स्नेक। और आप लोग पूछोगे गाइस यहाँ कॉइल स्नेक करता क्या, तो गाइस कॉइल स्नेक यहाँ पर जो आपका मॉर्टिस का यहाँ पर जो लॉन्ग डैश होता है गाइस उसको यहाँ पर 2 सेकंड यहाँ पर फास्टर कर देता है, क्योंकि मतलब 2 सेकंड गाइस फास्टर उसका यहाँ पर जो लॉन्ग रेंज होगा वो वाला चार्ज होगा यहाँ पर। तो गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पर छोड़ो, तो गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट 99 या फिर बोल सकता 100% बोल सकता है पर गाइस 100% यहाँ पर जो भी कोई भी ई स्पोर्ट या फिर कोई प्रो प्लेयर होगा वो कभी भी आपको गाइस ये स्टार पावर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेगा। ये मतलब बहुत ही बेकार स्टार पावर है यहाँ पर, और मतलब गाइस ऑलमोस्ट कोई भी यूज नहीं करता स्टार पावर, क्योंकि गाइस आपको खाली 2 सेकंड रुकना पड़ेगा यहाँ पर, 2 सेकंड आपको खाली फास्ट होगा पर आपके डैश के लिए। इससे गाइस आप इसको दूसरा स्टार पावर लो, गाइस आपको यहाँ पर लॉन्ग डैश मिलता ही है वैसे भी। तो बस बेटर रहेगा कि आप यहाँ पर इसका जो फर्स्ट स्टार पावर उसको चूज करो, जो कि यहाँ पर क्रीपी हार्वेस्ट, वो गाइस बेस्ट रहेगा यहाँ पर मॉन्टिस के स्टार पावर के लिए यहाँ पर। तो जिसका यहाँ पर सेकंड स्टार पावर है मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा उसको खेलने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर कोई भी यूज नहीं करता। और आपने अगर यहाँ पर स्पोर्ट देखते होंगे कि कोई भी यहाँ पर प्रो प्लेयर को, तो उन्होंने भी यहाँ पर कभी इसको यूज नहीं करा होगा, ये मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है, मतलब खाली इसको लेकर कोई फायदा होगा नहीं आपको यहाँ पर। तो गाइस बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर जो अपना गाइस नेक्स्ट यहाँ पर स्टार पावर आने वाला है वो होगा यहाँ पर मैक का स्टार पावर, क्योंकि गाइस यहाँ मैक का सेकंड स्टार पावर होने वाला है जिसका नाम है हैवी मेटल। तो गाइस बात करें यहाँ पर हैवी मेटल करता क्या है, तो गाइस जब भी यहाँ पर आपका जो मैक होगा वो यहाँ पर अपने मशीन में बैठा होगा, और गाइस जैसी मशीन यहाँ पर टूटती है तो गाइस यहाँ पर जो मशीन होगी वो गाइस यहाँ पर एक एरिया डैमेज देगा, जो कि यहाँ पर टोटल का डैमेज देगा 1500 का डैमेज, जो गाइस मैं जानता हूँ कि ये जो डैमेज है बहुत ही कम है यहाँ पर। और ऊपर से गाइस जो यहाँ पर जिस स्टार पावर है वो मतलब जो उसका पहला स्टार पावर है उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मोस्टली गाइस यहाँ पर जो मतलब 99% लोगों का उसका जो फर्स्ट स्टार पावर था वही लेते हैं, और बाकी गाइस जो 1% जिनको पता नहीं होता क्या है ये, तो गाइस उसको ये वाला स्टार पावर लेते हैं। बट गाइस मेरे हिसाब से जो बेस्ट यहाँ पर स्टार पावर है उसका फर्स्ट वाला होगा, तो गाइस ये हिसाब मेरे हिसाब से ये तो गाइस बेकार है यहाँ पर स्टार पावर, इसको मोस्टली गाइस कोई भी यूज़ नहीं करता। और आप अगर जानते होंगे तो गाइस स्टार पावर का मोस्टली यहाँ पर कोई भी काम है नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मोस्टली यहाँ पर जो लोग होते हैं गाइस वो यहाँ पर मीडियम रेंज और या फिर लॉन्ग रेंज ब्रॉल लेते हैं मोस्टली, और मीडियम लॉन्ग रेंज गाइस ये स्टार पावर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि एकदम थोड़े क्लोज रेंज में जब भी कोई होता है तब गाइस काम आएगा 1500 का डैमेज देने के लिए। और इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई क्लोज रेंज जैसे कि टैंक ब्रॉलर में यहाँ पर जैसे कि आ गया एल प्रीमो या फिर बुल आ गया, तो वो इजीली यहाँ पर इसको आराम से मार सकते हैं अगर आपने 1500 का डैमेज खा भी लिया तब भी। तो गाइस वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि यहाँ पर लोग इसको क्यों नहीं यूज़ करते, और मेरे से गाइस यहाँ पर इसको जरा रीमॉडल मिलना चाहिए स्टार पावर को, क्योंकि स्टार पावर ज़्यादा कुछ काम नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस यहाँ पर जो अपना डेरल का स्टार पावर है और इसका स्टार पावर गाइस इनको यहाँ पर रीमॉडल मिलना चाहिए, यहाँ पर एक अच्छा सा इसको स्टार पावर बनाना चाहिए। और खासकर गाइस यहाँ पर जो मतलब एक और मैंने गैजेट बोलता है जिसका नाम है आप मॉर्टिस का, और मॉर्टिस का गाइस यहाँ पर सेकंड स्टार पावर था उसको यहाँ पर एक रीमॉडल मिलना चाहिए, जो कि इसके थोड़ा सा अच्छा कर देना चाहिए इसके यहाँ पर जो भी स्टार पावर है। तो वह फाइनली पहुंच गया मैं नंबर 2 और नंबर 1 स्टार पावर की तरफ। तो गाइस यहां पर जो नंबर सेकंड में स्टार पावर होता है वो गाइस यहां पर होगा तारा का। एक मिनट, तूने तारा बोला? अबे मेरे कान तो नहीं बज रहा, सही से सुनो ना, तूने तारा का किसे नेम ना याद किया, जब उसका स्टार पावर इतना बेकार है क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ जी, उसका जो यहां पर स्टार पावर है उसका फर्स्ट स्टार पावर थोड़ा बेकार है यहां पर, जैसे कुछ काम का है नहीं, सेम टू सेम तेरी तरह इमोशनल।
तो वैसे यहाँ मैंने तारा का नंबर सेकंड में इसलिए रखा कि आपको पता ही होगा जो उसका फर्स्ट आप और इसका नाम है यहाँ पर ब्लैक पोर्टल, जो कि मतलब वन ऑफ द वर्स्ट में आता है शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर। वैसा यहाँ पर मोस्टली गाइस इसको कोई भी यूज़ नहीं करता, मोस्टली गाइस इसका जो सेकंड स्टार पावर है वो मतलब गॉडली मतलब बहुत ही तगड़ा स्टार पावर इसका यहाँ पर, जो कि गाइस आपको इजीली आप 500 का पर सेकंड में हील देता है आपको, जो इस मतलब बहुत ही काफ़ी अच्छे स्टार पावर ही है। बट गाइस इसका यहाँ पर फर्स्ट स्टार पावर गाइस उसके सामने बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाता, क्योंकि गाइस कि जो हील कर रहा है दूसरा यहाँ पर डैमेज देता है वो भी पास जाके, वो गाइस कोई बात हजम नहीं होती यहाँ पर। और मोस्टली गाइस अगर मैं आप अपना भी एग्जांपल ले लूँ गाइस, मोस्टली यहाँ पर मैं जिसका जो सेकंड स्टार पावर है वो हमेशा गाइस मैं यहाँ पर लेता हूँ, मतलब चाहे हाइस्ट मैप हो या फिर कोई मैप हो उस पर मोस्टली मैं इसका सेकंड स्टार पावर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम का आता है यहाँ पर। और गाइस 400 की हीलिंग पर सेकंड गाइस वो बिल्कुल भी कम नहीं होता यहाँ पर। बट गाइस जो यहाँ पर इसका सीन है गाइस यहाँ पर बहुत ही मतलब समझ में आता है क्या सीन है इसका यहाँ पर, कि जिस तरह यहाँ पर जो मतलब अगर आप यहाँ पर सुपर यूज़ करोगे तो गाइस यहाँ पर आपको एक छोटा शैडो मिलेगा, जो शैडो यहाँ पर एनिमी के पास जाएगा उसको मारने के लिए उसकी हेल्थ 3000। अब गाइस यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर ये गाइस जो मारने जाएगा तो गाइस यहाँ बिना कुछ भी मतलब कोई भी कार्ड नहीं देगा, बस गाइस सिंपल सा उसके पास जाएगा और अपने हाथ से पता नहीं क्या स्क्रैचेस मारेगा उसके ऊपर। तो बस यही है यहाँ पर तारा का फर्स्ट स्टॉप, और जो कि काफ़ी काम का है नहीं बिल्कुल भी मुझे पता है यहाँ पर, इसलिए गाइस मैंने इसको नंबर 2 में रखा है, तो वो बहुत ज़्यादा वैलिड है यहाँ पर नंबर 2 में रखना इसको, क्योंकि ऑलमोस्ट देख ही जाएगा इसका कोई काम है नहीं मैक्सिमम यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम गाइस यहाँ पर इसका सेकंड स्टॉप और का है जो कि यहाँ पर आपको हील देगा। पर गाइस यहाँ पर ऑल ओवर बोलो तो गाइस ठीक ही है, यहाँ पर इतना बुरा भी नहीं है, बस गाइस यहाँ पर इसका स्टार पावर मतलब बहुत ही कम के लिए यूज होता है, क्योंकि आपको पता होगा ये मोस्टली गाइस यहाँ पर हाईस्ट के लिए यूज होता है, जब भी मतलब कोई सेफ के पास नहीं होगा तो इजीली गाइस अपना सुपर यूज करके जो यहाँ तारा का शेडो अपीयर होगा और इसको यहाँ पर मतलब सबके जो भी एनिमी पास होंगे उनको मारने जाएगा। पर मेरे साथ जितना कुछ हालात खास नहीं है तो तभी गाइस मैंने इसको यहाँ पर नंबर 2 में रखा है, और इसका जो सेकंड स्टार वगैरह बहुत ज़्यादा तगड़ा है, तो मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं अभी। तो फाइनली पहुंचे यहाँ पर नंबर 1 स्टार पावर की तरफ, गाइस जो नंबर 1 स्टार पावर आने वाला है वो गाइस यहाँ पर होगा ग्रिफ का स्टार पावर, जिसका नाम गाइस यहाँ पर है बिजनेस रेजिलियंस, जो कि मतलब काफ़ी बेकार स्टार पावर है, मतलब इतना कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है इसमें। गाइस क्या होता है तो गाइस आपको यहाँ पर 2 सेकंड में हर 2 सेकंड में गाइस आपको यहाँ पर 15% जो आपकी गाइस हेल्थ जा चुकी थी वो आपको मिलते रहेगी, मतलब भाई बहुत ही कम हेल्थ मिलती है आपको, ज़्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो गाइस यही है इसका स्टार पावर का, और गाइस के अपोजिट साइड यहाँ पर जो इसका गाइस फर्स्ट स्टार पावर है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है यहाँ पर, जो कि इसका जो फर्स्ट स्टार पावर है यहाँ पर वो इजीली गाइस आपको जो यहाँ पर मेन अटैक होगा उसकी गाइस स्पीड को 25% तक गाइस फास्ट कर देता है, जो गाइस काफ़ी तगड़ी बात है यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर जिसका सेकंड स्टार पावर है तो गाइस लाख गुना अच्छा है, तभी गाइस यहाँ मोस्टली यहाँ पर सब लोग इसके फर्स्ट स्टार पावर को प्रेफर करते हैं, बट गाइस यहाँ पर जो इसका सेकंड स्टार पावर को गाइस मोस्टली कोई यूज़ करता होगा इसको शायद। और गाइस इसको मैंने यहाँ पर नंबर 1 में रखा, तो इसका मतलब गाइस साफ पता चलता है कि गाइस ये वर्स्ट स्टार पावर इन गेम है, कि गाइस आपको पता चल गाइस कौन सा यहाँ पर वर्स्ट स्टार पावर है, तो गाइस ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट स्टार पावर है पूरे गेम के अंदर, जो आपको पता चलेगा और क्यों यहाँ पर इतना बेकार है, गाइस इसका ज़्यादा कुछ काम का भी नहीं है, अगर इसने आप अपने इसको एक्टिवेट करोगे तो गाइस आपको यहाँ पर फर्क भी नहीं पड़ेगा कि गाइस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि गाइस ये स्टार पावर इतना बेकार है यहाँ पर। बट गाइस अगर आप इसकी इसका जो फर्स्ट स्टार पावर है वो लेगा तो बहुत काम का आएगा वो आपके लिए। और गाइस मैंने यहाँ पर ट्राई कर था कि जिसका इसका सेकंड स्टार पावर है वो कौन से मैप के अंदर बेस्ट रहेगा, बस गाइस मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा मैप नहीं मिला जहाँ पर गाइस कुछ सेकंड स्टार पावर को यूज़ कर सकते हैं, बस गाइस इसके जो यहाँ पर सेकंड स्टार पावर एक टाइप से गाइस यहाँ पर इसका गैजेट है गाइस उसकी तरह काम करें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, जो गाइस मुझे यहाँ तभी बिल्कुल पसंद नहीं है, गाइस स्टार पावर का रोल वो होता है गाइस उसको अपने ब्रॉलर को यहाँ पर जरा एक्स्ट्रा बफ देने के लिए। बट गाइस यहाँ पर जो इसके जो यहाँ पर स्टार पावर है वो मतलब एकदम यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल से है, जो कुछ कुछ खास भी नहीं है, और इसकी वजह से गाइस यहाँ पर जिसका जो सेकंड स्टार पावर है वो मतलब वन ऑफ द वर्स्ट स्टार पावर में आता है। तो गाइस ये थे मेरे सारे के सारे टॉप 5 वर्स्ट स्टार पावर इन ब्रॉल स्टार, जो कि मतलब काफी फन था यहाँ पर इसको देखना, और गाइस होप करता हूँ मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया होगा यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पर वर्स्ट स्टार पावर है यहाँ पर। तो गाइस आज की वीडियो का इतना था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट किया, कोई वीडियो अच्छा था, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।